हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जैन। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जैन ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एक लोगो है, ये एक म्यूज़िक का लोगो है। आप लोग इस तरह का लोगो बहुत ईजी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से जो है रेक्टेंगल टूल लिया, या आप लोग कीबोर्ड से एम भी प्रेस कर सकते हैं, तब भी ये टूल आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक क्रिएट के, ठीक है, एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ से पेन टूल लिया और एक लाइन ड्रा की इसके सेंटर में। ठीक है, अलाइन एंड सेंटर, ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पर इसने डिज़ाइन किया, ठीक है। फिलर मैंने रेड कर दिया यहाँ पर। ऑल्ट के साथ मैंने कॉपी ली इसकी यहाँ से एंड कंट्रोल डी प्रेस किया, तो मेरे पास ये इसकी कॉपीज आती जाएंगी, ठीक है। एंड देन इसको लाइन को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, सिलेक्ट ऑल एंड पाथ फाइंडर टूल, यहाँ से हमारा एक पाथ फाइंडर टूल है, और यहाँ से मैंने फ्रंट एंड माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये एक म्यूज़िक के एक शेप आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने छोटा किया एंड अगेन मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पर ये क्रिएट किया, ठीक है। अगेन रेक्टेंगल टूल एंड अलाइन सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की यहाँ से शेप बन गई है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से जो टूल लिया वो एलिप्सी टूल लिया, या कीबोर्ड से आप लोग एम भी प्रेस कर सकते हैं, तब भी ये टूल आप लोगों के पास आ जाएगा। एंड ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए एक सर्कल क्रिएट किया, ठीक है। इसकी जो मैंने स्ट्रोक है थोड़ी यहाँ से बढ़ा दी है एंड और यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया एंड कंट्रोल एफ, तो हमारे पास की एक कॉपी आ जाएगी यहाँ पर। एंड ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैंने इसको थोड़ा साइज छोटा किया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ ऑल्ट और शिफ्ट को मैंने इसका थोड़ा छोटा किया, ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एंड यहाँ से एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा एंड टाइप टूल लिया मैंने यहाँ से, एंड जो फॉन्ट है वो मेरा बोगलो है, बोगलो, ठीक है। ये फॉन्ट आप लोगों को गूगल से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो या आप लोग इसकी जगह कोई और फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक, ठीक है। एंड इसको थोड़ा साइज मैंने इंक्रीज़ किया यहाँ से, इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर ड्रैग किया एंड देन एंड यहाँ पर लिख दिया
टैगलाइन, ठीक है, टी ए जी टैगलाइन, एंड इसका साइज, एंड इसको थोड़ा सा मैंने मजीद ऊपर की तरफ रख, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से पेन टूल लिया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और आल्ट के साथ मैंने कॉपी की लाइन को, एंड इसको इधर ड्रैग कर दिया, ठीक है, एंड सेलेक्ट किया ऑल, सॉरी लाइन को सेलेक्ट किया एंड सर्कल को सेलेक्ट किया, एंड शेप बिल्डर टूल लिया मैंने यहाँ से, और आल्ट को प्रेस करते हुए मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है, डिलीट। उसके बाद मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, एंड यहाँ पर कलर इसका मैंने यहाँ से फिलहाल रेड फिल कर दिया, एंड सेलेक्ट किया, और शेप बिल्डर टूल से मैंने आल्ट को प्रेस करते हुए यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, एंड इसका साइज मैंने थोड़ा सा मजीद छोटा किया। ये था फ्रेंड्स हमारा एक सिंपल सा लोगो, और अब यहाँ मैं इसको मॉकअप अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर कलर मैंने इसको वाइट फिल किया, एंड ठीक है,